ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड लेक्चर वीडियो विद यू ऑन निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी, होप सो आप लोगों ने इसको देखा होगा। और आप जो निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग की क्या बेसिक्स होते हैं वो आप लोग वहां से देख के, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो इस तरह से करवा रहा हूं। इससे पहले जो दो क्लासेस मैंने करवाई हैं उसके अंदर भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, वो डिफरेंट हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो तमाम जो भी तीनों लेक्चर्स के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आप लोग जो है वो सारे के सारे कंसल्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो ऑफकोर्स आप लोगों को इसके बाद असाइनमेंट मिलेगी, वो अलग। जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपको और जो है वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेयर वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ 11A5, दिस इज चैप्टर नंबर 11 और ये उसकी जो है वो जो प्रॉब्लम 5 है अपेंडिक्स की, जिसमें जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन की बुक के जो 15th एडिशन है, ये उसका क्वेश्चन है जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक है। स्टेवोस कंपनी स्क्रीन डिवीजन मैन्युफैक्चरर्स अ स्टैंडर्ड स्क्रीन फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स, HD टीवीज बनाते हैं वो, और उसकी वो HD टीवी की जो है वो स्क्रीन बनाते हैं, और उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर स्क्रीन है वो $70 है और फिक्स कॉस्ट पर स्क्रीन उनकी $30 है और टोटल कॉस्ट है 100 बेस्ड ऑन अ कैपेसिटी ऑफ 10,000 स्क्रीन्स पर ईयर। ये किस बेस पे उन्होंने फिक्स कॉस्ट किस बेस पे निकाली है, 10,000 उनकी जो कैपेसिटी है उसकी बेस के ऊपर। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर हम लोग कैपेसिटी किस तरीके से इंपैक्ट करती है हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन को, इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्ट ऑफ द स्क्रीन डिविजन्स आउटपुट इज सोल्ड टू आउटसाइड मैन्युफैक्चरर, आउटसाइड मैन्युफैक्चरर को जो है वो पार्ट जो है कुछ स्क्रीन जो है वो आउटसाइड मैन्युफैक्चरर्स को भी सेल की जाती है। एंड पार्ट इज सोल्ड टू स्टोव्स कंपनीज क्वैक डिविजन, और क्वैक डिविजन उनका एक और डिविजन है, और कुछ स्क्रीन जो है वो उनको दे दी जाती हैं जो के बाद में उससे HD टीवी बनाते हैं। द स्क्रीन डिवीजन चार्जेस 140 पर स्क्रीन फॉर ऑल सेल्स, चाहे वो बाहर बेच रहे हूं चाहे वो इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हूं अपने ही कंपनी के दूसरे डिवीजन को दे रहे हूं, वो कितने की दे रहे हैं उनको, $140 की। तो मीन ये क्या है, हमारी ट्रांसफर प्राइस है। इज इट क्लियर जी? ओके, द कॉस्ट रेवेन्यूज एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम एसोसिएटेड विद द क्वैक डिविजन्स HD टीवी आर गिवन बिलो, जो क्वैक डिविजन है उसका जो वो HD टीवी जो बना रहे हैं उसके रिलेटेड जो डेटा है वो हमें गिवन है कि वो सेलिंग प्राइस जो वो मार्केट में बेचते हैं वो है 480 की, और उसके ऊपर उनके जो खर्चे होते हैं वो क्या है, 140 की वो स्क्रीन खरीदते हैं, 210 के इसके ऊपर ज्यादा से पार्ट लगाते हैं, टोटल उनका खर्चा हो जाता है 350 का, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन उनका जो है 130 है। जब आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, और उसके ऊपर जो है वो फिक्स कॉस्ट उनकी पर यूनिट 80 है जो कि उन्होंने 3000 की कैपेसिटी के ऊपर निकाली हुई है। अब याद रखें कि जो स्क्रीन डिवीजन है उसकी कैपेसिटी है 10,000 स्क्रीन्स, और जो टीवी जो क्वैक डिवीजन है जो टीवी बना रहा है उसकी कैपेसिटी है 3,000 टीवीज पर ईयर, 3,000 टीवी बनाते हैं वो। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है इनको कितनी साल की चाहिए, सिर्फ 3,000 स्क्रीन चाहिए, वो कितनी बना सकते हैं, 10,000। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 3,000 इनको दे देते हैं बाकी मार्केट में बेच देते हैं। क्लियर हो रही बात? ओके जी, अब वो कहता है जी क्वैक डिवीजन हैज एन ऑर्डर, क्वैक डिवीजन को एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम एन ओवरसीज सोर्स, एक जो ओवरसीज सोर्स है 1000 HD टीवीज का उनको एक ऑर्डर मिल गया है, वो कितनी, 1000 टीवी जो है वो कहते हैं जी आप हमें बना के दे दें, लेकिन ऑन स्पेशल प्राइस ऑफ 340 पर यूनिट, रेगुलर प्राइस है 480 लेकिन वो कितने का मांग रहे हैं, 340 का। Assume that the Quack Division has enough idle capacity, उनके पास enough idle capacity है to fill 1000 unit order,
मीन वो ए जो ऑलरेडी जो वो टीवी बना रहे हैं वो हो सकता है 1,000 हैं, 1,500 हैं, 2,000 हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी है कि वो 1,000 यूनिट को बना के क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दे सकते हैं। तो वो कहता है जी क्या उनको इस प्राइस के ऊपर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप क्या करें, हमें कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश करें कि बताएं जी कि आप क्या क्या उनको इस प्राइस के ऊपर ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि क्या उन्हें ये वाला जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप जरा गौर से देखें प्लीज, मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूं। हियर इट इज प्रॉब्लम 11A5 प्रॉब्लम है और इसका पार्ट क्या है, वन शुड क्वेश्चन डिवीजन एक्सेप्ट द ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर, क्या उन्हें स्पेशल ऑर्डर क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि उनके पास जो सेल प्राइस थी वो क्या थी। तो क्या है जी स्पेशल स्पेशल प्राइस, स्पेशल सेल प्राइस वाज $340 और उनकी कॉस्ट क्या थी। अब कॉस्ट क्या है जी, एक तो नंबर वन क्या है, स्क्रीन की कॉस्ट, स्क्रीन कितने की है, 140 की, और फिर क्या है पार्ट्स कितने के हैं, कितने बेटे, 210 के, ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये 210 के इनके पार्ट्स हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर जो इनकी कॉस्ट है वो कितनी बनती है, टोटल लेस वेरिएबल कॉस्ट लेनी है आपने सिर्फ। क्यों वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, बिकॉज दे हैव एनफ कैपेसिटी, और फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, मीन इररेलेवेंट है, क्योंकि वो तो उनको हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। अगर वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट भी करेंगे तभी भी वो फिक्स कॉस्ट रहेगी, और अगर वो रिजेक्ट भी कर देंगे तभी भी वो ये फिक्स कॉस्ट उनको बियर करना पड़ेगी। क्लियर होगी बात। तो इस लिहाज से उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटे, 350। जब हमने 340 में से 350 को माइनस किया तो नेट क्या आ गया, उनका लॉस आ गया 10 पर यूनिट। ये 10 पर यूनिट उनका क्या है, लॉस है। क्लियर है। सो दे शुड रिजेक्ट द दिस ऑर्डर बिकॉज इट ऑफर्स सेल प्राइस $340 विच इज कंपैरेटिवली लेस देन इट्स रेलेवेंट, क्या है जी, रेलेवेंट कॉस्ट दैट इज $350 पर HD टीवी। जो उनकी पर HD टीवी कॉस्ट आ रही है वो उससे क्या है, उनको प्राइस कम मिल रही है, दिस विच इज कंपैरेटिवली, दिस विल रिजल्ट आ नेट लॉस ऑफ $10,000। $10,000 कैसे निकला है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1,000 यूनिट्स। क्लियर है ना जी, $10,000 उनको क्या होगा, नेट लॉस होगा टू क्वैक डिवीजन। एंड अच्छा चलिए क्वैक डिवीजन की बात कर लेते हैं।
सो क्वैक डिवीजन विल रिजेक्ट दिस ऑर्डर. ठीक है, अब यहां पे एक बात आ गई है, आप सोच रहे होंगे कि यहां पे जो इसकी फिक्स कॉस्ट थी 80 पर यूनिट, हमने इसको क्यों कंसीडर नहीं किया? इज इट क्लियर? सो फिक्स्ड कॉस्ट पर टीवी दैट इज $80 इज इररेलेवेंट बिकॉज this cost will remain if we do not accept this order, या इस तरह से कह लें will remain if we accept or reject this order, if we accept or रिजेक्ट दिस ऑर्डर. अगर हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या करेगी, वो सेम रहेगी, इसलिए हमें वो इररेलेवेंट है. और सिर्फ कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और विच इंक्लूड्स स्क्रीन कॉस्ट एंड पार्ट्स कॉस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज 350 एट 10 पर यूनिट उनको लॉस हो जाएगा. जी बेटे, हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि जब आइडल टाइम होगा, आइडल कैपेसिटी होगी तो तब सिचुएशन क्या है, और अगर आइडल कैपेसिटी ना हो तो सिचुएशन क्या है. क्लियर होगी बात? ओके जी. अच्छा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं जी. अज्यूम दैट बोथ द स्क्रीन डिवीजन एंड क्वैक डिवीजन हैव आइडल कैपेसिटी, दोनों के पास आइडल कैपेसिटी है. ठीक है जी. Under these condition, what it would be advantageous? Would it be advantageous for the company as a whole if the Quag division rejects the 340 price? क्या ये दोनों के पास अगर capacity हो, तो क्या ये Quag division अगर reject कर देता है इस order को, जैसे हम लोगों ने पहले situation में देखा है कि it should reject, सही है कि नहीं? तो क्या ये company के फायदे में होगा अगर वो reject कर देता है? फॉलो करें बात को. ओके, अब हम देख लेते हैं जी कि इस सिचुएशन में हमें जो है वो क्या सिनेरियो बनता है. अब आप ये देखें जी कि ये है रिक्वायरमेंट क्या है जी, 2, इफ बोथ डिवीजन्स हैव आइडल कैपेसिटी then rejection of order is beneficial for company or not. ये हमने सवाल का जवाब देना. अगर दोनों के पास आइडल कैपेसिटी है तो क्या वो ऑर्डर जो है जो कि 340 पर टीवी है, क्या वो कंपनी के बेनिफिशियल में है या नहीं है? तो जरा गौर से देखें जी कि प्राइस क्या है जी, स्पेशल प्राइस क्या है, दैट इज $340 लेस. इसमें से क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट्स. अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब वेरिएबल कॉस्ट है एक तो स्क्रीन की, सही है, और दूसरी क्या है, पार्ट्स की. अब स्क्रीन की कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है, विच इज रेलेवेंट. ठीक है, नहीं विच इज रेलेवेंट. अब आप जरा गौर करें कि हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर प्राइस के लिए जो एक रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट या रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है या ट्रांसफर प्राइस इसको हम कह सकते हैं, व्हेन देयर इज अ आइडल कैपेसिटी हो जब जो सेलिंग डिवीजन के पास, तो उस सूरत में हम लोग ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालते हैं. तो ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला होता है बेटे, ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, किसके बराबर होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट ऑन रेगुलर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स
ट्रांसफर्ड मीन, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो फिर क्या करेंगे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए उसकी। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्रीन की वेरिएबल कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो स्क्रीन डिवीजन है वो कितने की वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है इसके ऊपर, एक स्क्रीन को बनाने में $70। तो हम क्या करते हैं, इस $70 को उसकी वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं, दैट इज 70 प्लस। हम ये कहते हैं कि जब उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी तो क्या करेगा वो, उस ऑर्डर को फुल करने के लिए रेगुलर सेल में से क्या करेगा, कम करेगा, ऐसे ही कि नहीं। लेकिन अगर उसको कैपेसिटी हो तो फिर उसे रेगुलर सेल कम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस सूरत में फिर उसकी रेगुलर सेल कम नहीं होगी। तो जब उसकी रेगुलर सेल कम नहीं होगी तो उसका कोई रेगुलर कोई भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम लोग अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये सी एम लॉस्ट, तो सी एम लॉस्ट होता है सी एम पर यूनिट। ये सी एम लॉस्ट किसके बराबर आएगा, सी एम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स लॉस्ट इन रेगुलर सेल। फॉलो करें जी। अब सी एम पर यूनिट कितना है, ये कहता है जी कि कितने की है उसकी वेरिएबल कॉस्ट। अब सी एम पर यूनिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस है 140 जिस पे वो मार्केट में बेच रहा है स्क्रीन को, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी 70, तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आ गया 70। अब मैं कहता हूं यहां पे 70। अब ये कहता है ये यूनिट लॉस्ट कितने हैं, तो यूनिट लॉस होते हैं बेटे, यूनिट लॉस को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख लेता हूं, चले अगले वाले पेज पे, यूनिट्स लॉस्ट फ्रॉम रेगुलर सेल। ठीक है जी। हम ये कहते हैं जी के हम इसको कैसे करेंगे आप लोग, ये बराबर होगा किसके जी, यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस आइडल कैपेसिटी। अगर तो यूनिट ट्रांसफर्ड जो हैं वो ज्यादा हैं आइडल कैपेसिटी से, तो फिर हम मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी रेगुलर सेल में से निकालना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरी कैपेसिटी कितनी है 10,000, क्लियर है, और मैं इस वक्त यूनिट भी बेच रहा हूं कितने 10,000, तो मेरे पास आइडल कैपेसिटी कितनी है 0। तो आइडल कैपेसिटी फिर किसके बराबर आएगी, आइडल कैपेसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, टोटल कैपेसिटी, ठीक है, माइनस रेगुलर सेल। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी 10,000 यूनिट्स, और रेगुलर सेल्स भी कितनी है वो हमें वैसे नहीं उसने बताया, ठीक है ना, लेकिन वो ये कहता है कि आइडल कैपेसिटी उसके पास सफिशिएंट है। क्लियर है कि नहीं बात, इसलिए जब उसकी सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कि जब वो सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी है तो फिर उसकी कोई भी सेल लॉस नहीं होगी, रेगुलर सेल उसकी इफेक्ट नहीं होगी, हमें कोई यूनिट भी रेगुलर सेल में से कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें रेगुलर कस्टमर की स्क्रीनें उठा के उस स्पेशल ऑर्डर पे लगाने की जरूरत नहीं है। फॉलो करें बात को, समझ गए ना। तो इसलिए मैं यहां पे ये कहता हूं कि आइडल कैपेसिटी चूंकि अबंडेंट अवेलेबल है, ठीक है, और मैंने यूनिट कितने ट्रांसफर करने हैं 1,000, और मैं कहता हूं जी सपोज इधर मेरे पास 2,000 की कैपेसिटी अवेलेबल है, तो मेरी कोई भी रेगुलर सेल कम होगी नहीं होगी ना, इसलिए वहां पे फिर क्या आएगा 0। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी, ये क्या है जी, मल्टीप्लाई बाय 0। 70 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और डिवाइडेड बाय यूनिट ट्रांसफर्ड करूंगा तो वो कितने हैं 1000, तो 0 को 1000 पे डिवाइड करूंगा तो फिर भी आंसर क्या आएगा 0। तो फिर मेरे पास ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या आना चाहिए, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है 70, विच इज वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखिएगा यहां पे हमने एक पॉइंट डेवलप कर लिया कि व्हेन
क्या पॉइंट आ गया जी हमारे पास, चले मैं पीछे ही लिख देता हूं, व्हेन देयर इज आइडल कैपेसिटी देन वेरिएबल कॉस्ट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस. When there is idle capacity, then variable cost should be the transfer price because it promotes goal congruence. समझ आती है goal congruence की? Goal congruence क्या है कि overall company का जिसमें फायदा है डिविजन्स भी वही वाले काम करें. डिविजनल गोल्स शुड बी अलाइंड टू कंपनी गोल्स. तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा जिस जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर प्राइस रखेंगे. तो ये किस सूरत में है? जब आइडल कैपेसिटी है, सफिशिएंट कैपेसिटी अवेलेबल है, हमारे पास कोई लिमिटेशन ऑफ जो है वो कैपेसिटी नहीं है. ठीक है जी. तो मैं यहां पे स्क्रीन की कॉस्ट फिर क्या लिखूंगा, 70, और उसकी पार्ट्स की कॉस्ट क्या है, 210, और टोटल फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई, 280. जब मैंने 340 में से 280 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट वो कितना आ गया बेटे, $60 पर यूनिट प्रॉफिट आ गया. समझ के बात को, तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी क्या करेगी, कितना प्रॉफिट कमा सकती है, 60 × 1000, दैट इज 60,000. अगर वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो कंपनी को क्या होगा, पर यूनिट $60 का प्रॉफिट हो रहा है. तो अब फिर क्या करना चाहिए, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल कंपनी टू रिजेक्ट दिस ऑर्डर. इज इट क्लियर? हम ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. अगर हम पहले वाला हमने कहा था सिर्फ डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवीजन को कितने का पड़ रहा था, वो 210 और 140, 350 का, लेकिन मिल कितने रहे थे उसको, 340. तो लॉजिकल था उसको रिजेक्ट करना ही बनता था. लेकिन हम ये कहते हैं ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो और दोनों डिवीजन के पास अबंडेंट कैपेसिटी भी अवेलेबल है, तो तब बताओ कि फिर अब सिचुएशन में क्या है, क्या अब ये वाला रिजेक्ट करना मुनासिब है? तो हमने कहा कि ये वाला अब रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है. तो इसी की अगर हम लोग कमेंट्री लिखते हैं, अगर हम लोग इसके कंक्लूजन लिखते हैं, पॉइंट टू का कंक्लूजन, इट इज not beneficial to reject special order at $340 per unit because it will result into a loss of $60 per unit and a total loss of $60,000. ये कैसे आया है, 1,000 × 60,000 टू द कंपनी. ये कंपनी को क्या करेगा, ओवरऑल कितना है, 60,000 का लॉस हो जाएगा. सो the Quack division should accept this order if both of the divisions have idle capacity. Clear it? Okay. Now let's move to the next point. Next point में हमें बताया गया जी के
assume that the quark division has idle capacity, but the screen division is operating at capacity. अब सिचुएशन क्या है, क्वार्क डिवीजन के पास कैपेसिटी है, मीन वो कितने यूनिट बना सकता है, 3000, वो हो सकता है इस वक्त 1000 पे काम कर रहा है, 2000 पे काम कर रहा है, 1000 की कैपेसिटी है उसके पास, लेकिन जो स्क्रीन डिवीजन है वो क्या कर रहा है, 10000 यूनिट पे उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसके पास सारे के सारे यूनिट ही क्या कर रहे हैं, बिक रहे हैं, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है. Compute the profit impact to the quark division of accepting 1000 unit order at 340 unit price. अब बताएं कि quark division के ऊपर इस order को accept करने का क्या impact आएगा उसके profit के ऊपर, अगर वो ये वाला order accept कर लेता है तो. ठीक है ना जी. अब देखें जी, यहां पे इसका solution हम लोग कर लेते हैं. ये है जी 11A4 का, 11A4 का पॉइंट नंबर 3. इफ स्क्रीन डिवीजन हैज नो आइडल कैपेसिटी बट quark division has idle capacity, now should it accept the order? अब ये सवाल है कि क्या अब इस सिचुएशन में उसको ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए. अच्छा जी, अब इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं जी के ऑफर्ड प्राइस क्या है. ऑफर प्राइस है 340. अब इसमें से हमने लेस क्या करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट. अब कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट है, स्क्रीन की कॉस्ट है और फिर क्या है, पार्ट्स की है. पार्ट्स तो बड़ा क्लियर है, 210 है. अब स्क्रीन की कॉस्ट क्या है, पहले हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी वो थी कि एम्पल कैपेसिटी अवेलेबल है. अब क्या है, कैपेसिटी मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में अब हम लोगों ने ये चूंकि यहां पे ट्रांसफर प्राइस लगानी है, तो हमने कहा था ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस सीएम लॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड. ऐसे ही है ना जी, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ओके जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70 प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट. अब देखिए जी, सी एम पर यूनिट कितना निकला था, सी एम पर यूनिट इज इक्वल टू 140 माइनस 70 इज इक्वल टू 70. क्लियर है, क्योंकि 140 का वो बेच रहा है, 70 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, सी एम पर यूनिट क्या आ गया, 70. अब बात कर लेते हैं उसके पास आइडल कैपेसिटी क्या है, जीरो. क्या है, जीरो. इज इट क्लियर. अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ट्रांसफर्ड कितने करने हैं, 1000 माइनस आइडल कैपेसिटी कितनी है, जीरो. तो फिर उनको रेगुलर सेल में से कितने फोरगो करने पड़ेंगे, कितने काम करने पड़ेंगे, 1000. समझ आ रही बात की, ये मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया जो मैंने पीछे आपको समझाने की कोशिश की है. तो अब उनको उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे, कितने यूनिट रेगुलर सेल के, रेगुलर जो कस्टमर्स को वो स्क्रीन दे रहे थे, क्या करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा. कितने यूनिट कम करना पड़ेंगे, 1000. तो मीन 70 उनका क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था, 1000 वो उनके यूनिट थे, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस आ गया, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट हमने ट्रांसफर करने हैं जी बेटे, 1000. तो मैंने 1000 को 1000 से कैंसिल किया, तो 70 प्लस 70 कितना आ गया, 140. सो ट्रांसफर प्राइस शुड बी 140 कम अज कम, इससे ज्यादा होगी. क्लियर है कि नहीं बात. तो इसलिए वो क्या कहता है, ट्रांसफर प्राइस किस पे होनी चाहिए, 140 पे. अब जब ने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया,
350, जब मैंने 340 में से 350 माइनस किया तो 10 पर यूनिट क्या आ गया, लॉस आ गया. सो इन दिस सिचुएशन देयर वुड बी अ लॉस ऑफ $10 पर यूनिट टू क्वैक डिवीजन resulting into a total loss or decrease in profit of the division by 10,000. समझ गए जी, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? अब इसमें से हमने एक और जो कंक्लूडिंग पॉइंट कंक्लूड किया जो मैं यहां पे बॉक्स के अंदर लिखने जा रहा हूं, क्या, व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी ऑफ किसकी, सेलिंग डिवीजन, किसकी, सेलिंग डिवीजन की, क्लियर कि नहीं, जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ऑफ सेलिंग डिवीजन व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी ऑफ सेलिंग डिवीजन देन मार्केट प्राइस शुड बी ट्रांसफर प्राइस बिकॉज इट रिजल्ट्स into goal congruence. ये फिर goal congruence को प्रमोट करती है. अच्छा, जब आइडल कैपेसिटी नहीं होगी तो कौन सी, मार्केट प्राइस, और जब आइडल कैपेसिटी होगी तो वेरिएबल कॉस्ट. तो याद रखे, मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, और मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, मार्केट प्राइस. इज इट क्लियर? इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते हो ना आप, क्योंकि जो मार्केट में बिक रही है वही वाली आप उसको ट्रांसफर करोगे, उसी पे आप चार्ज करोगे. तो हमारी कैलकुलेशन ने भी यही साबित किया है कि अगर हम लोग कैपेसिटी के साथ काम करेंगे तो फिर हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दें, ये ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है. अगर हम कहते हैं जी सारे यूनिट की कैपेसिटी की बजाय सिर्फ आधे यूनिट की कैपेसिटी है, तो फिर आधी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी, आधे यूनिट फोरगो करना पड़ेंगे. उसी लिहाज से फिर क्या आ जाएगी, मैक्सिमम प्राइस के दरमियान में आ जाएगी कोई ना कोई प्राइस. क्लियर हो रही बात, समझ गए बात को? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है जी, what conclusions do you draw concerning the use of market price as transfer price in intra company transactions? जब आप intra company transactions में market price को as a क्या करते हो, transfer price use कर रहे हो, तो आप उसकी conclusions लिखें. तो ये तो conclusion अभी मैंने बता दिया आपको कि जब आपके पास idle capacity नहीं होगी तो तब आप क्या करोगे, फिर कौन सी करोगे, मार्केट प्राइस विल बी यूज एज अ ट्रांसफर प्राइस. इज इट क्लियर? तो मार्केट प्राइस एज अ ट्रांसफर प्राइस यूज करने का क्राइटेरिया क्या है, व्हेन देयर इज नो आइडल कैपेसिटी ऑफ सेलिंग डिवीजन, ट्रांसफरिंग डिवीजन, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके पास आइडल कैपेसिटी नहीं है. ओके जी, और उसकी लॉजिक क्या है, ये मैंने आप लोगों को अभी यहां पे समझाने की कोशिश की है. चले हम लोग इसकी कंक्लूजन लिख लेते हैं. नंबर क्या है, पॉइंट नंबर फोर. पॉइंट नंबर फोर क्या है, व्हेन सेलिंग डिवीजन हैज नो आइडल कैपेसिटी, जब सेलिंग डिवीजन के पास आइडल कैपेसिटी नहीं होगी, देन मार्केट प्राइस शुड बी या वुड बी लिख लो, बी द
transfer price. Price. Because it will result the maximum profit to the company. ठीक है जी. The cost to the company of a transfer will be the revenue lost on regular sales. Thus, that market price would be the market price should be the transfer price to cover the cost of the transfer. Basically क्या है कि जो कहता जी जो transfer जब आप करोगे तो cost of the transfer to the company क्या है, उसकी market price, variable cost plus margin. ठीक है कि नहीं, क्योंकि the cost which is the revenue या which is a variable cost plus the CM lost on regular sale. Regular sale should be equal to the transfer price to cover this cost. Basically क्या है, the cost क्या है कि उसकी variable cost है plus उसका क्या है, contribution margin loss है. अब वो किसके बराबर होना चाहिए, उसकी transfer price के, ताकि उसका जो है वो लॉस क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए और उसके क्या हो जाए, फिर जीरो की सिचुएशन में आ जाए. समझ के बात को. तो इसलिए आप याद रखिए कि जब भी आपके पास आइडल कैपेसिटी नहीं होगी तो तब आप की ऑटोमेटिकली निकलेगी ही, कैलकुलेशन ही ये बताती है कि आपकी ट्रांसफर प्राइस किसके बराबर होगी, मार्केट प्राइस. और वो हमने यहाँ पे साबित भी कर दिया अपनी कैलकुलेशन से कि ये वाली जो है वो मार्केट प्राइस के बराबर ही ये निकलती है. ठीक है जी. होप सो आप लोग जो है इन तमाम चीजों को समझ भी गए होंगे और उसको एक्सप्रेस करना और उसको जो है वो आप लोग एक्सप्लेन करना भी आपको समझ आ गया होगा. जब आप इसको खुद से करेंगे तो ऑफकोर्स आपको जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी. लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. आई एम शेयरिंग क्वेश्चन विद यू. Here is the question. This is question 33 of chapter number 22 of Charles T. Horngren. ये Charles T. Horngren की बुक में से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें हम लोग जो है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे और टैक्सेस और गोल कॉन्ग्रेंस की जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात होगी कि इसमें किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है कंपनीज को फॉर द टैक्स मैनेजमेंट. टैक्स मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, मैंने इसके ऊपर जो है वो कुछ बात की हुई है अपने लेक्चर के दौरान में, जिसमें मैंने कहा जी कि कंपनीज क्या करती हैं जो अपने प्रॉफिट्स को अगर उसके इंटरनेशनल डिवीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन कंपनी है उसका एक डिवीजन पाकिस्तान में है और एक डिवीजन उनका जो है वो अमेरिका में है, तो वो कोशिश करते हैं कि जिस कंट्री में कम टैक्स रेट्स हैं अपनी ट्रांसफर प्राइस को इस तरीके से सेट किया जाए कि ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे नजर आए
उस डिवीजन में नजर आए जहां पे टैक्स कम है, ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। क्लियर हो रही बात? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी चीज को लेके है कि हम लोग जो है वो टैक्स मैनेज कैसे कर सकते हैं जब हम लोग अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके चलते हैं। ओके जी, आर्गॉन डिवीजन ऑफ जेमिनी कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट। आर्गॉन उनका डिवीजन जो यूनाइटेड स्टेट में है, इट्स इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट इज 30% और इसका इनकम टैक्स रेट क्या है 30%। अनदर डिवीजन ऑफ जेमिनी कालसिया इज लोकेटेड इन कैनेडा और एक और उनका जो है डिवीजन वो कहां पे है, कैनेडा में है, वेयर इनकम टैक्स रेट इज 42%, जहां पे इनकम टैक्स रेट क्या है 42% है। अब कंपनी क्या चाहेगी कि उनकी इनकम कहां पे शिफ्ट होनी चाहिए, ज्यादा इनकम कहां पे होनी चाहिए, कहां पे, यूएस में, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट क्या है 30% है। जो जितनी ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर उनकी कैनेडियन डिवीजन में ज्यादा इनकम शो हो रही होगी तो उनका ओवरऑल तो टैक्स तो कंपनी ने देना है, दोनों डिवीजन की इनकम इकट्ठी हो जानी है तो टैक्स वहां पे देना पड़ना है। इसलिए वहां पे वो कहते हैं जी ऐसी ऐसी स्कीम लगाई जाए, ऐसी ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक यूज की जाए कि क्या हो कि टैक्स किस में ज्यादा हो, किस में ज्यादा इनकम शो हो, यूएस डिवीजन में रेदर देन कैनेडियन डिवीजन। इज इट क्लियर? ओके, अब यही बात समझनी है हमने कैलकुलेशन से। कालसिया मैन्युफैक्चर्स अमंग अदर थिंग्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ आर्गॉन कॉल्ड IP 2007। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आती है जिसका नाम है IP 2007। कालसिया ऑपरेट्स एट कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट्स ऑफ IP 2007 फॉर आर्गॉन ईच पीरियड। हर एक पीरियड में वो क्या कहता है 15,000 यूनिट्स बनाते हैं वो IP 2007 के, ये उनकी कैपेसिटी है। एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट, और उनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60 पर यूनिट। अज्यूम दैट देयर इज नो आउटसाइड कस्टमर फॉर IP 2007। आउटसाइड मार्केट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है मार्केट प्राइस हम नहीं जानते हैं। क्लियर हो गई बात? Because the IP must be shipped from Canada to United States, it cost an additional 4 per unit to ship IP to Argon. Argon को shift करने के लिए जो America में उनका unit है उसके लिए उनको $4 per unit क्या आती है, shipping cost भी आती है, तो ये additional cost है। Okay, there are no direct fixed cost for IP 2007. Calcia also manufacture other products. वो कहता है जी डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर कोई भी नहीं आती है, वो और भी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उनकी जो कॉमन कॉस्ट है, और कॉमन कॉस्ट याद रखिए हमेशा ही रेलेवेंट होती है। जब भी आप डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे तो आप उसमें ये पढ़ोगे कि आपकी जो कॉमन कॉस्ट होती है ना, जो सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रही होती है, उसको हम एलोकेट करते हैं ऑन सम बेसिस, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में से निकल जाती है। हम कहते हैं जी ये वाली जो है ना, ये किसी किसी टीम का हिस्सा नहीं है। वो आपने देखा होगा ना, जो 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 आप बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे तो जिसमें हम लोग कहते हैं जी अच्छा छह इधर पूरे हो गए, छह इधर पूरे हो गए, एक बच गया, ठीक है ना, उसको रेलू कट्टा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह के वो कहता है जी कि जो 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 दोनों में हो तो वो भी हमारे लफ्जों में क्या है, किसी काम की नहीं, इसलिए उसको आप छोड़ दें। ओके जी, अ प्रोडक्ट सिमिलर टू IP 2007 दैट आर्गन कुड यूज as a substitute available in the market for 75 per लेकिन उसने आखिर में जाके एक और बात कर दी कि उस प्रोडक्ट की जैसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मार्केट उसकी नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है जिसको आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम ये भी एक मार्केट प्राइस देखने का तरीका होता है। अगर डायरेक्ट मार्केट अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट की तो आप देखें कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, उसकी मार्केट उसी तरह की है। क्लियर होगी बात? ओके जी, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू आर्गॉन एंड कालसिया फॉर IP 2007 एंड व्हाई। कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगी जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है कि नहीं। अब चूंकि कैपेसिटी की बात हो रही है, वहां पे वो कैपेसिटी भी अवेलेबल है, कितनी कैपेसिटी है 15,000 की, और वो कहता है जी के कालसिया एडिशनल 4 पर यूनिट भी उनको पड़ती है, देयर इज नो डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके जी, अब हम कहते हैं जी के सबसे पहले हम लोग कुछ डाटा जो है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग लेके चलेंगे। ये है हमारे पास
कौन सी जी एक्स प्रॉब्लम है 22 32, चैप्टर नंबर 22 का 32 प्रॉब्लम है, क्लियर है जी। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, तो ये इसका जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग पहले कह रहे हैं यूएस डिवीजन की बात कर लेते हैं। यूएस डिवीजन में नहीं, ये 32 नहीं है, ये 33 है। मैं भी कहूँ ये क्या है, ओके ये 33 है। यहां पे ओके जी, अब सबसे पहले उन्होंने ये कहा जी कि कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो सकती है जो उनको जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब ये देखें जी, ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाना है जो मैंने आपको पहले बताया, क्या वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या करोगे सी एम रेगुलर सेल सी एम लॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड, ये आ जाएगी। ये क्या है बेसिकली मिनिमम, ये मिनिमम प्राइस है। इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिमिट होती है, कौन मिनिमम लिमिट सेट करता है, कौन मैक्सिमम लिमिट सेट करता है, इसके ऊपर जो मैंने पहले सुबह लेक्चर पढ़ाया उसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये सारी मैंने डिटेल में चीजें समझाई हुई है, यही वाली बातें बार बार हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ कि जो सेलिंग डिवीजन होता है वो मिनिमम लिमिट सेट करता है और जो बाइंग डिवीजन होता है वो मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। आप बड़ी कॉमन सेंस है, अच्छा अब देखिए वो जिसकी बारगेनिंग पार अच्छी है, जो अच्छा बतूनी है, जो किसी के ऊपर ओवरकम कर लेता है, तो वो जाहिर है वो मैनेजर क्या होगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाता हूं एक बात को, क्लियर है ओके। अभी आप देखें जी, ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, कितनी है बेटे इस क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी गई है 60, क्लियर है। और 4 या क्या आती है पर यूनिट, शिपिंग भी है, तो कितनी हो गई टोटल 64। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जी, ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो है जी 60 + 4 प्लस रेगुलर सेल्स लॉस्ट। अब यहां पे हमें उन्होंने बताया नहीं है कि उनकी कोई रेगुलर सेल लॉस भी हो रही है, तो हमने ये कहा कि उनकी कोई रेगुलर सेल लॉस नहीं हो रही है, मीन वो उनके पास अबंडेंट कैपेसिटी मौजूद है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उनके पास कोई भी रेगुलर सेल्स लॉस नहीं हो रही है, तो इसलिए वो जीरो है। जीरो डिवाइडेड बाय कितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं, तो वो भी हमें नहीं पता कि कितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं, वो सारे के सारे यूनिट पोस्ट ट्रांसफर करता है, नहीं समझ आ रही बात की। तो फिर हम कहते हैं जी कि कोई भी होगा तो वो जीरो ही रहेगा, मीन के जीरो के साथ आप किसी को भी डिवाइड, किसी के साथ भी डिवाइड करते जीरो को, तो आंसर क्या रहेगा जीरो। तो इसलिए फिर ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ पे जो लिमिट है वो है मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो होती है शुड बी लेस एंड इक्वल टू, मैक्सिमम लिमिट का मतलब है इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मार्केट प्राइस। क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू मार्केट प्राइस, इज इट क्लियर जी ओके। अब आप ये देखें जी, ट्रांसफर प्राइस और इसकी मार्केट प्राइस क्या है, जो अवेलेबल है मार्केट में वो कितनी है जी 75, यही है ना हमें दिया हुआ जो सब्सिट्यूट की प्राइस है, सो सब्सिट्यूट प्राइस विच इज अवेलेबल इन द मार्केट दैट इट्स 75। सो ट्रांसफर प्राइस रेंजेस फ्रॉम किससे 64 to 75। ट्रांसफर प्राइस कैन बी इन बिटवीन 64 to 75। ट्रांसफर प्राइस क्या हो सकती है 64 से 74 के दरमियान में फॉल कर सकती है। अब अगर ये देखो,
ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बेटे? और ये कौन कह रहा है? बाइंग डिवीजन। इज इट क्लियर? अच्छा, जितनी इससे ये दूर होगी इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, नहीं समझो बात? और जितनी इससे ये दूर होगी ये, इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? सेलिंग का। अगर ये कहता है मिनिमम 64 है, ये बात बन जाती है 70 पे, सही है? इन दोनों के दरमियान में फर्क देखो कितना है, 11 का। क्लियर है? अब बात बन जाती है 70 पे, सही है? तो इसको मिलेंगे 5 रुपए, इसको मिलेंगे कितने? 6 रुपए। अगर बात बनती है 72 पे, इसको मिलेंगे कितने? 3 रुपए। इसके लिए मार्जिन कितना बचा? 3 रुपए। इसके पास कितना बचा? 8 रुपए। इज इट क्लियर? अगर बात होती है 75 पे, इसको क्या मिलेगा? मीन जीरो, मीन ये पूरे पूरे पे चला जाएगा, और इसको 11 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी बेटे आपने सवाल पूछा ना कि जो तेज आदमी होगा वो क्या करेगा, प्रॉफिट अपनी तरफ खींच लेगा। जिसकी निगोशिएशन पार्स अच्छी होंगी वो मैनेजर डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर है? यहां पे सिर्फ क्या होती है, बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम क्या करते हैं, हम मिनिमम और मैक्सिमम बता देते हैं, समझ के बात को। और अगर ये 64 पे सेट हो जाती है ट्रांसफर प्राइस, तो फिर सेलिंग डिवीजन को 0 मिलेगा और उसको 11। तो अब देखो ये मिनिमम कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह रहे हैं। और ये क्या है, मैक्सिमम कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस। तो याद रखिएगा हमेशा ट्रांसफर प्राइस इन दोनों के दरमियान में ही रहती है। मैक्सिमम कहां जा सकती है? मार्केट प्राइस पे। मिनिमम कहां आ सकती है? वेरिएबल कॉस्ट पे। और मैंने दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको बता दिया, अगर आइडल कैपेसिटी होगी तो फिर कौन सी कॉस्ट होगी, कौन सी प्राइस होगी? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर नहीं होगी तो फिर मार्केट प्राइस। समझ के बात को। अगर आइडल कैपेसिटी है तो फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? ये वाला लेने वाला, खरीदने वाला। क्यों? उसको पता है यार ये तो खाली मशीन पे खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, करते रहने दो, नहीं समझो बात। और अगर आइडल कैपेसिटी कम हो या ना हो तो फिर डोमिनेटिंग पोजीशन किसके पास है? सेलिंग डिवीजन के पास। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि यार मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, भाई जाओ तुम बाहर से खरीद लो, मिलती है तो, नहीं समझे बात। तो इसलिए जितनी कैपेसिटी होगी उसी लिहाज से गेम खेली जाए, समझ के बात को। तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने हमें क्या कहा है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बताने का कहा है, वो हम लोगों ने बता दिया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में उन्होंने हमें व्हाट ट्रांसफर प्राइस वुड मिनिमाइज इनकम टैक्सेस फॉर जेमिनी कॉर्पोरेशन एज अ होल। एज अ होल जेमिनी कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी ट्रांसफर प्राइस जो है वो क्या होगी, मिनिमम टैक्स पे करेगी, मिनिमम टैक्स होगा उनका। क्लियर है जी, समझ के बात को। मिनिमम टैक्स के लिए उनको जो ट्रांसफर प्राइस यूज करनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि किस डिवीजन में क्या है, प्रॉफिट किस तरीके से बन रहा है। ओके, अब आप जरा गौर करें, इसमें हमारे पास जो सेलिंग डिवीजन है वो कहां पे बैठा है? कैनेडा में। इसका मतलब है उसकी कैनेडियन इनकम क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, और सारी की सारी इनकम कहां पे शिफ्ट होनी चाहिए, किसमें? यूएस में। इज इट क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोर्ड के शेयर करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर यह कहता हूं कि कैनेडा में उसकी जो डिवीजन है उसकी जो है वो उसको मिनिमम प्राइस क्या है उसकी, वो मिनिमम प्राइस सेट कर रहा है ना, कितनी है उसकी? 64, ऐसा ही है। और जो यूएस डिवीजन है वो क्या है, ये क्या है? सेलिंग। और ये क्या है? ये बाइंग डिवीजन। क्लियर है?
अब यूएस में जो बाइंग डिवीजन है ये इसकी ये कहता जी मेरी प्राइस कितनी होनी चाहिए 75, मैं ये कह रहा हूं इनके दरमियान में फॉल करेगी। अगर मैं इस पे रख देता हूं तो मीन इसका प्रॉफिट क्या होगा, जीरो, सारे का सारा प्रॉफिट किधर चला जाएगा, इधर किस डिवीजन में, यूएस में। इज इट क्लियर, समझ आ रही बात की। अच्छा मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हम जो कह रहे हैं वो है क्या, फिर जवाब लिखते हैं। देखिए जी, हम ये कहते हैं जी कि अगर मैं कैनेडा की अगर मैं बनाता हूं इनकम स्टेटमेंट, 15,000 यूनिट वो बेच रहा है, बेचता है किसके ऊपर, 64 पे, और 15,000 यूनिट की ही उसकी जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी है, 64, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इज इट क्लियर। इसका मतलब है नो टैक्स, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमें उसने बताई नहीं है ना, वो कहता है फिक्स कॉस्ट कॉमन है, वो आप इग्नोर कर दें, हमने इग्नोर कर दिया, क्लियर है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर वो ये रखता है प्राइस 75, तो इसमें से उसकी कॉस्ट कितनी है, 64, प्रॉफिट कितना हुआ, 11 मल्टीप्लाई बाय 15,000, करें जी 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट है कनाडा में 42%, 69,300 का टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर है। इस सिचुएशन में क्या देना पड़ेगा, जीरो, इस सिचुएशन में क्या देना पड़ेगा, जीरो, इस सिचुएशन में 69,300, इज इट क्लियर। अच्छा अब हम कहते हैं जी इस सिचुएशन में कितना टैक्स आएगा ये देखना जरा। अब कहते हैं सारी की सारी इनकम किधर चली गई है, यूएस की तरफ। अब यूएस की इनकम कितनी होगी, 11, जरब कितना है, कितने यूनिट्स, कितना हुआ इनकम, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट 30%, कितना हुआ, 49,500, कहां पे टैक्स कम है, क्लियर। अब मैं अगर इस सारी सिचुएशन को यहां पे समराइज करके लिखूं अगले पेज पे, इफ कंपनी शिफ्ट ऑल मार्जिन्स ऑफ $11 टू यूएस डिवीजन, ठीक है, यूएस डिवीजन को अगर सारे मार्जिन वो ट्रांसफर करती है, देन टोटल टैक्स वुड बी कितना है जी, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है 49,500, तो मैं लिखता हूं जी 49,500, एंड इफ कंपनी शिफ्ट ऑल मार्जिन्स ऑफ $11 पर यूनिट टू कैनेडा, ठीक है, देन टोटल टैक्स वुड बी कितने बेटे, 69,300, समझ के बात को। अच्छा अब ये कब है, ये किस सूरत में है, कि जब वो सारे का सारा टैक्स शिफ्ट करेगा, किस प्राइस के ऊपर सारे का सारा टैक्स शिफ्ट हुआ था उधर, इस प्राइस पे, किस पे, 64 पे, इज इट क्लियर। इफ ट्रांसफर प्राइस इज सेट एज एट 64, तो फिर कैनेडा डिवीजन का क्या प्रॉफिट है, जीरो, और यूएस डिवीजन का प्रॉफिट कितना है, कितना, 1,65,000, तो ओवरऑल टैक्स रेट की टैक्स एक्सपेंस कितना बना, 49,500, और अगर इफ टीपी इज
75, तो देन प्रॉफिट कितना है 11, और यूएस का प्रॉफिट क्या आएगा फिर 0। क्यों भला, उसने जितने भी बेचना है उसने 75 का खरीदा है, 75 ही उसको आके कॉस्ट पड़ रही है, इस वजह से उसकी क्या है 0 आ जाएगा, उसको कोई प्रॉफिट शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरफ पे चला गया है, किसमें, कनाडा की तरफ चला गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जो है वो आप ये देखें कि इफ कंपनी शिफ्ट ऑल प्रॉफिट्स ऑफ 11 टू यूएस डिवीजन देन द टोटल वुड बी, ठीक है कि नहीं, इफ, या यहां पे आप ये करते हो इफ, लिखो इफ कंपनी सेट ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू कितने के 64, इफ कंपनी सेट्स ट्रांसफर प्राइस एट 64, कंपनी विल शिफ्ट ऑल मार्जिन्स ऑफ 11 टू यूएस डिवीजन दैट द टोटल टैक्स वुड बी 49,500, इज इट क्लियर। और अगर कंपनी जो है वो क्या करती है, इफ कंपनी इफ ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट किस पे 75, कंपनी शिफ्ट ऑल मार्जिन्स ऑफ 11 पर यूनिट टू कैनेडा डिवीजन देन द टोटल टैक्स वुड बी 69,300। तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन सी प्राइस जो है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बात समझ गए ना, तो लॉजिकल आंसर मिल गया। सो द कंपनी शुड सेट ट्रांसफर प्राइस एट $64 पर यूनिट, $64 पर यूनिट के ऊपर उनको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी चाहिए। तो अब हमें कैलकुलेशन से अंदाजा हो गया कि किस तरीके से कंपनी जो है वो क्या करती हैं, अपने टैक्स को मैनेज करती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नंबर 3, वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमें कहता है जी, सपोज जर्मनी यूजेस द ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम रिक्वायरमेंट 2 एंड ईच डिवीजन इज इवैल्यूएटेड ऑन इट्स ओन आफ्टर टैक्स डिवीजन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ सपोज कालसिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल 8000 यूनिट्स ऑफ आईपी 2000 टू एन आउटसाइड कस्टमर फॉर 68 ईच। कालसिया विल नॉट इनकर शिपिंग कॉस्ट बिकॉज द कस्टमर इज नियर बाई एंड ऑफर टू पे फॉर shipping. Assume that if Kalsi accepts the special order, Argon will have to buy 8,000 units of the substitute product in the United States at 75 per unit. Scenario समझ गए हैं जी? क्या है जी? वो ये कह रहे हैं कि अगर Germany ने requirement number 2 में जो आपने transfer price set की है, that is 64. Okay? अगर आप उस transfer price को लेते हो, तो वो ये कहता है जी कि दोनों डिवीजन की आप ऑपरेट आफ्टर टैक्स इनकम निकाल लें, दोनों डिवीजन्स की क्या करें, आफ्टर टैक्स इनकम निकाल लें। और नेक्स्ट सिचुएशन क्या दे दी है कि कालसिया जो है वो अपॉर्चुनिटी है उसको 8000 यूनिट को मार्केट में बेचने की, कितने का 68 ईच, 68 का वो मार्केट में क्या कर सकता है, बेच सकता है। उसके ऊपर जो जो कालसिया है उसको शिपिंग कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो यूएस डिवीजन को भेज रहा है उसके ऊपर उसको शिपिंग कॉस्ट भी पे करना पड़ रही है। ओके, दूसरी चीज क्या है कि उसमें फिर आर्गन जो है उसको 8000 यूनिट जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूएस से खरीदने पड़ेंगे और वो उसकी प्राइस होगी 75 पर यूनिट। क्लियर है जी? ओके, अब हम लोग जो है वो इनकी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पहले डिवीजन की, ये रिक्वायरमेंट नंबर क्या है, 3A, 3A रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने कालसिया आफ्टर टैक्स इनकम, कालसिया की आफ्टर टैक्स इनकम हमने कैलकुलेट करनी है।
अब वो कितने यूनिट टोटल बेच रहा है बेटे, कितने यूनिट बेच रहा है वो हैं? 15,000 कि कम ज्यादा है? 8,000 स्पेशल ऑर्डर पे है। अच्छा जी, कॉल्सियल आफ्टर टैक्स इनकम फ्रॉम एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर, चलें जी हम लोग, चलो दोनों की भी वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने एक आज के यूनिट प्राइस उसको मिलेगी 68 की स्पेशल ऑर्डर से, ऐसा ही है ना जी, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी पर यूनिट, दैट इज 60, क्योंकि 4 उसको वो पियर नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है ना इन बात? ओके, अब उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आया? 8। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या आया? 8। ओके जी, अब इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना है? ये कालसिया कहां पे है? कनाडा में। कहां पे है? कनाडा में है। तो कितने परसेंट लगना है? 42%। तो 8 का 42% जी बेटे, 8 का 42% 3.36। ओके, 3.36 को जब आपने माइनस किया तो आफ्टर टैक्स 4.6 पर यूनिट, आफ्टर टैक्स पर यूनिट इनकम, पर यूनिट प्रॉफिट लिख लें, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4.64 मल्टीप्लाई बाय कितने है जी, 8,000। कितना आ गया बेटे? शाबाश, 37,120। दैट इज द टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ कालसिया। क्लियर है जी? ओके, अब हम आर्गॉन की बात कर लेते हैं जी। आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ आर्गॉन, आर्गॉन्स आफ्टर टैक्स इनकम, देखें जी उन्होंने क्या किया, उनको जो है वो सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी, रेवेन्यू पर यूनिट, रेवेन्यू पर यूनिट जो है वो क्या है जी, हम देख लेते हैं जाके अपने क्वेश्चन में, जी एक मिनट की मैं ढूंढ लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है, उसके बाद ये जेमिनी कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स इज लोकेटेड 42% 15,000 फॉर ईच पीरियड एट वेरिएबल कॉस्ट 6, नो मार्केट 4 पर यूनिट, देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट, कालसिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। पर यूनिट
अब हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी। मैंने तो बड़ी ढूंढ लिया, नहीं मिली मुझे। हाँ ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है उसकी जो जो एक्चुअली चूंकि हम लोगों ने आफ्टर टैक्स इनकम कैलकुलेट करनी है ना, तो अगर आफ्टर टैक्स इनकम है तो इनकम जाहिर है उसके ऊपर जो है जो भी प्रॉफिट होगा वही उसी को लेके चलेंगे। चले हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि कुछ अज्यूम करके सेलिंग प्राइस को जो है वो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। रेवेन्यू पर यूनिट ये मैं लिख लेता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं इसको। हम ये कहते हैं जी 120 सपोज इसकी जो है वो रेवेन्यू पर यूनिट है 120, और इसकी जो जो आप समझ लें कि कॉस्ट है परचेजिंग जिस पे हो रही है उसकी, वो उसने कहा जी कि मार्केट से वो खरीदेगा 75 का, ऐसा ही है ना, वो उसका जो सब्सिट्यूट खरीदेगा वो 75 का मिलेगा उसको। तो 120 का अगर वो बेचता है अपनी प्रोडक्ट को कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा के और जो भी उसकी है, तो वो उसको 75 का वो लेता है, तो कितना आ जाएगी 45, ये हो जाए आज की उसकी ऑपरेटिंग इनकम। और इसका टैक्स जो है वो बनेगा 30%। 30% अगर आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना बचा था 13.5। इसमें से जब हमने माइनस किया तो आफ्टर टैक्स कितनी आ गई, आफ्टर टैक्स इनकम कितना आ गया बेटे 31.50 जो है वो उसको जो है वो आफ्टर टैक्स इनकम मिलती है। अब अगर मैं कंपनी की ओवरऑल इनकम की बात करता हूं, इसको एक यूनिट कितना दे रहा है 4.64 का, और एक इसको एक यूनिट कितना दे रहा है 31.50 का, तो ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, तो दोनों का हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, इसका कितना है 4.64 और इसका कितना है 31.50, तो टोटल कितना हो गया 36.14। दिस कैन बी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ क्या है इनकम। अब अगर यही वाली सिचुएशन जो है, ये हमने ये कहा कि ये वो सिचुएशन है जब वो ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, अगर वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट में देखे जाके कि जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला विल एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑर्डर मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम फॉर जेमिनी कॉर्पोरेशन एज अ होल, एज अ होल क्या उसकी जो है वो उसकी इनकम को वो इंक्रीज करेगा। दूसरा विल आर्गोन वॉन्ट क्लासियर टू एक्सेप्ट दिस स्पेशल ऑर्डर, वाई और वाई नॉट, क्या ये वो ये जो जो कंपनी है आर्गोन वो ये अच्छा सॉरी विल आर्गोन वॉन्ट क्लासियर टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, क्या वो जो बाइंग डिविजन है जो उसका वो एक्सेप्ट करेगा कि वो उसका जो है वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करे। विल क्लासियर वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस स्पेशल ऑर्डर, एक्सप्लेन, क्या कालसिया ये वाला स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। अच्छा मेरा ध्यान ही उन पे है। ओके चलें मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना जी। कि पहली बात तो ये है कि क्या अपना जो मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज जेमिनी का एज अ होल होगा या नहीं होगा, तो उसमें जो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, जो यहाँ पे मैंने बोर्ड में आप लोगों को हल करके दिखाई है, वो है जी कि हम ये कहते हैं जी कि एक एक यूनिट के ऊपर जो इस तरह का जो यूनिट है जो इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है, या सॉरी इंटरनली ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि स्पेशल ऑर्डर में जा रहा है, उसके ऊपर ओवरऑल कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना जी। और अगर ये रिजेक्ट कर देता है, अगर वो ये वाला ऑर्डर क्या करता है रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं देता, तो फिर उसको कितनी प्राइस मिलेगी, प्राइस उसकी क्या है 64, कॉस्ट कितनी है 64,
इनकम कितनी है, जीरो, और ये यहाँ पे उसकी इनकम जीरो आ गई। और दूसरी तरफ पे कर लेते हैं, अब दूसरी तरफ पे उसकी सपोज हमने कहा जी 120 का यूनिट बिकता है, कॉस्ट कितनी है उसकी 64, तो बाकी कितनी रह गई 56, और 56 का कितने परसेंट लेना है हम लोगों ने, टैक्स कितना बना 30%, तो 56 का 30% ले बेटे जरा 16.80, माइनस करें प्लीज 39.2। अब आप जरा गौर करें कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करे, तो तब उसका पर यूनिट कंपनी को कितना प्रॉफिट बन रहा है 36.14। और अगर हम ये कहते हैं कि वो ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट ना करे और इंटरनली ट्रांसफर करे, तो पर यूनिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंपनी का कितना बन रहा है 39.2। सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्लियर है। कंपनी क्या चाहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें है, इफ इंटरनल ट्रांसफर्स आर मेड। अगर इंटरनल ट्रांसफर होगा तो कंपनी ये चाहेगी उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए कंपनी चाहेगी कि वो वाला डिवीजन जो है वो वाला ऑर्डर एक्सेप्ट ना करे, क्लियर है। अच्छा, दूसरी तरफ पे वो डिवीजन क्या चाहेगा, कालसिया डिवीजन क्या चाहेगा, ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले। क्यों, क्योंकि उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है पर यूनिट 4.64, लेकिन इस सूरत में कितना बन रहा है, अगर वो इंटरनल ट्रांसफर करता है तो जीरो। क्लियर होगी बात, समझ आ गई है ना। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है, इंटरनल ट्रांसफर करता है, मैं या तो लिख लेता हूं कालसिया, यहां पे मैं लिख लेता हूं आर्गन, और यहां पे मैं लिख लेता हूं कंपनी, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं इंटरनल ट्रांसफर, और यहां पे मैं लिखता हूं एक्सेप्ट ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो उसका पर यूनिट प्रॉफिट क्या निकलता है 4.64, और अगर वो इंटरनल ट्रांसफर करता है तो जीरो। तो फिर इसके लिए ऑप्शन क्या बेहतर है, ठीक है ना, कि वो स्पेशल ऑर्डर आउटसाइड सप्लायर का ऑर्डर क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस तो इसमें बेहतर होगी ना, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब अगर मैं इसकी कंपनी की बात करता हूं, तो कंपनी का अगर इंटरनल ट्रांसफर हो तो प्रॉफिट कितना है 39.2 ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अगर ना हो तो 36.14। तो कंपनी क्या चाहेगी, इंटरनल ट्रांसफर्स हो, क्योंकि उसका इंटरनल ट्रांसफर में प्रॉफिट ज्यादा है। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं आर्गन डिवीजन क्या चाहेगा। अब ये देखें जी, आर्गन डिवीजन अगर वो कहता है बाहर बेचता है और वो बाहर से खरीदता है, तो उसका प्रॉफिट कितना है 31.5। मीन अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और वो बाहर से खरीदता है, तो वो 31.50 का प्रॉफिट कमाता है, और अगर वो इंटरनली ट्रांसफर करता है तो फिर कितना प्रॉफिट कमाता है 39.2। तो फिर ये भी क्या चाहेगा, इंटरनल ट्रांसफर। सिर्फ कालसिया डिवीजन क्या चाहेगा, ऑर्डर एक्सेप्ट करना रेदर देन टू ट्रांसफर इंटरनल। और कंपनी क्या चाहेगी, इंटरनल ट्रांसफर, क्योंकि उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। और आप जब लिखोगे तो ये फैक्ट्स एंड फिगर साथ लिखेंगे अपनी कमेंट्री के अंदर, सही है, कि ये इसका ये इंटरनल प्रॉफिट इस तरीके से ज्यादा है, इसलिए इसका जो है ये आर्गुमेंट बनता है, क्लियर है। और आर्गन डिवीजन क्या चाहेगा, कि जिसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है, तो वो प्रॉफिट किसमें नजर आ रहा है, इंटरनल ट्रांसफर में, तो इसलिए वो क्या कहेगा, इंटरनल ट्रांसफर होनी चाहिए, क्लियर है जी। टैक्स किस तरीके से ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, इन ट्रांसफर्स के ऊपर जो है वो इंपैक्ट करता है ट्रांसफर प्राइसिंग के हवाले से, ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश की है। तो होप सो कि आप लोग जब इसको समझ गए होंगे। थैंक यू जी।
एजुकेशन में गोल कौन